उधर यूक्रेन में रूस को हराने के लिए जी जान लगाए बैठे नेटो में ही दो फाड़ होती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो के सदस्य जर्मनी और पोलैंड में ही ठन गई। बवाल इस बात पर मचा कि जंग के बीच यूक्रेन को नेटो में शामिल कराया जाए या नहीं, जिस पर जर्मनी और पोलैंड एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। पोलैंड ने जर्मनी को ही आड़े हाथ ले लिया और कह दिया कि अगर जर्मनी ने यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर अड़ंगा नहीं लगाया होता तो रूस ने यूक्रेन पर हमला ही नहीं किया होता। असल में जर्मनी के रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि नेटो के लिए यूक्रेन की सदस्यता पर फैसला लेने के लिए मौजूदा वक्त सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब जंग छिड़ी है तब फैसला ठंडे दिमाग से लेने की जरूरत है, लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्री के इस बयान पर पोलैंड का दिमाग गर्म हो गया और पोलैंड ने जर्मनी को खरी खरी सुना दी और जर्मनी से सवाल पूछ डाला कि वो ही बता दे कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करवाने का सही वक्त आखिर कब आएगा, जंग खत्म होने के 5, 10 या 30 साल बाद। और तो और पोलैंड ने यह भी दावा किया कि जर्मनी जैसे कुछ देश शुरुआत से ही यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने के खिलाफ थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज यूक्रेन नेटो का सदस्य होता और रूस की उस पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं होती। पोलैंड आग बबूला इसलिए है क्योंकि वो यूक्रेन का पड़ोसी है और वो चाहता है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द नेटो में शामिल कराया जाए। अगर किसी नेटो देश पर यूक्रेन के युद्ध का सबसे बुरा असर पड़ा है तो वो पोलैंड ही है। उसके लिए इस जंग में यूक्रेन का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा जमा लिया तो कल को वो पोलैंड से भी हिसाब बराबर करेगा। यही वजह है कि पोलैंड यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है और इसलिए वो पुतिन की दुश्मनी मोल लिए बैठा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान किया कि वो 2024 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बाइडेन ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया और उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की भलाई के लिए वो एक बार फिर राष्ट्रपति पद की रेस में। बाइडेन ने यह साफ कर दिया कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दोबारा अपनी दावेदारी पेश करेंगे। That's why I'm running for re-election. माना जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और बाइडेन एक बार फिर आमने सामने होंगे, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही दावा किया था कि वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। इधर प्रतिबंधित संगठन PFI के खिलाफ NIA ने देश भर में छापेमारी की। बताया गया कि 4 राज्यों में 16 जगहों पर एक साथ छापे पड़े, जिसके तहत NIA उन लोगों के ठिकानों पर पहुंची जिन पर PFI से जुड़े होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक PFI की फंडिंग की जांच के लिए बिहार में 12 और उत्तर प्रदेश में 2 जगह छापे पड़े, जबकि पंजाब और गोवा के एक एक ठिकाने पर छापेमारी हुई। इससे पहले पिछले 8 महीनों में NIA की टीमों ने 3 बार PFI के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे थे, जिनमें कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यानी ये पहली बार नहीं है जब केंद्र की जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की। इसी साल NIA ने जनवरी में पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें PFI के 4 सदस्यों को आरोपी बनाया था, जिन पर गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी काम करने के इल्जाम है। PFI का टेरर फंडिंग कनेक्शन सामने आने के बाद से ही एजेंसियां लगातार उसकी फंडिंग की जांच में जुटी हैं और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर 28 सितंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। इस बीच चीन पर कोरोना से जुड़ी पहली जांच रिपोर्ट गायब करने का आरोप लगा। अमेरिका में कोरोना पर रिसर्च करने वाले कई प्रोफेसरों ने यह दावा किया और आरोप लगाया कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय टीमों को जांच ही नहीं करने दी और जिस वक्त कोरोना तेजी से फैल रहा था चीन ने इससे जुड़ी रिसर्च का डेटा गायब करवा दिया और उन वैज्ञानिकों को टॉर्चर किया जिन्होंने कोरोना से जुड़ी रिसर्च का डेटा दुनिया को देना चाहा, क्योंकि वो चाहते थे कि इस डेटा की मदद से कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन चीन ने कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दबाने की कोशिश की। ये दावा अमेरिका में कोरोना पर रिसर्च करने वाले कई प्रोफेसरों ने किया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक प्रोफेसर ने तो ये तक कह दिया कि चीन ने कोरोना से जुड़े कुछ डेटा को जड़ से ही खत्म कर दिया। हालांकि 2020 में जारी कोरोना के रिसर्च पेपर अब भी मौजूद है, लेकिन उनमें भारी कांटछांट की गई, जिसका आरोप चीन पर लगा। ये तक कहा गया कि चीन ने अपने वैज्ञानिकों का जीना मुश्किल कर दिया था और कोरोना से जुड़ी कोई रिसर्च ठीक से नहीं होने दी थी, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन चाहता था कि दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैले और वैज्ञानिक इस वायरस को खत्म करने का तरीका न ढूंढ पाए, फिर चाहे इसके लिए उसे अपने ही वैज्ञानिकों को सूली पर क्यों न चढ़ाना पड़े। यही नहीं, दुनिया में हाहाकार मचाने के लिए चीन ने अपने नागरिकों की भी बलि ली, क्योंकि पिछले साल चीन में कोरोना विस्फोट की खबरें आईं। दावा किया गया कि लाखों लोगों की जान गई, लेकिन चीन को अक्ल नहीं आई क्योंकि उसने वो सच्चाई भी दुनिया से छुपाई। इधर पुलिस सूत्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में असद को बचाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा प्लान तैयार किया गया था जिससे जांच में यह पता चले कि मर्डर के दिन उसकी लोकेशन प्रयागराज नहीं बल्कि लखनऊ थी। मतलब ये कि अतीक का बेटा असद काम भी कर दे और उसका इस केस में नाम भी ना आए। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जो प्लान बनाया गया था उसके तहत असद का चेहरा छिपाने के लिए मंकी कैप मंगवाई गई थी, ताकि जब वो उमेश पाल की हत्या कर रहा हो तब उसका चेहरा किसी को ना दिखे। लेकिन असद ने वो कैप नहीं पहनी और CCTV में उसका चेहरा रिकॉर्ड हो गया था और बाद में केस की जांच के दौरान पुलिस ने वही मंकी कैप बरामद भी की थी। असल में उमेश पाल की हत्या का जिम्मा पूरी तरह से असद को सौंपा गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक साथ में ये भी तय किया गया था कि किसी भी कीमत पर वो इस केस में न फंसे।
जिसके लिए दूसरी प्लानिंग ये थी कि असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड उमेश पाल की हत्या से पहले ही लखनऊ में अपने गुर्गे यतीन जफर को दे दिए थे, ताकि जिस वक्त प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो उसी वक्त यतीन उसके कार्ड से लखनऊ में पैसे निकाल सके। और असद के कहने पर उमेश पाल के हत्या के दिन यतीन ने ऐसा किया था, जिससे जांच एजेंसियों को असद की लोकेशन लखनऊ में मिले और उस पर शक न हो। लेकिन एटीएम के सीसीटीवी में यतीन की फोटो रिकॉर्ड हो गई, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। बाद में हैदराबाद में छिपे यतीन को भी पकड़ लिया गया। उधर सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शूटर गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच गईं। उसकी आखिरी लोकेशन पश्चिम बंगाल में मिली, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पिछले 3 दिन से पश्चिम बंगाल में कई जगह छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू की लोकेशन बंगाल के मुर्शिदाबाद और उसके पास मिली, यानी इन्हीं इलाकों में वो कहीं छिपा हो सकता है, जिसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि कुछ दिनों पहले ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़ में होने की उसकी आशंका जताई गई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब वो मुर्शिदाबाद में अतीक के किसी करीबी के ठिकाने पर छिपा है। अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू पर 5 लाख का इनाम है। इस बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस और यूपीएसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के 2 गांवों में छापेमारी की। उन्हें शाइस्ता के कौशाम्बी में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस के साथ यूपीएसटीएफ की टीम उसे पकड़ने के लिए रवाना की गई। शाइस्ता को पकड़ने के लिए कौशाम्बी के असरावल खुर्द और असरावल कला गांव में छापेमारी की गई, जो करीब 1 घंटे तक चली। बताया गया कि इन्हीं इलाकों में अतीक अहमद के रिश्तेदार भी रहते हैं, जहां पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर छापे मारे और 9 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल केस में आरोपी 50,000 की इनामी शाइस्ता ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया है, ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन का पता न चल सके। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये धमकी यूपी पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के फोन नंबर की पहचान की और उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल तथा सिम बरामद है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि आमीन नाम का आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाना चाहता था, जिसके लिए उसने पहले उनका मोबाइल फोन चुराया और फिर यूपी पुलिस के नंबर 112 पर मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान पर हमला करने के लिए चीन अपनी तोपों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। चीन पिछले कई साल से ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में है, और पिछले 1 साल में उसने ताइवान पर हमला करने के लिए कई बार जंग की तैयारी की। यही नहीं, हाल ही में उसने ताइवान को डराने के लिए 3 दिनों तक जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल भी की थी। हालांकि चीन को ये बात अच्छी तरह पता है कि ताइवान पर हमला कर वो अमेरिका के साथ युद्ध छेड़ देगा, क्योंकि ताइवान की कवच बना अमेरिका भी इसी इंतजार में है कि चीन कब हमला करे। ऐसे में चीन अपने हथियारों को और घातक बनाने में जुटा है, ताकि वो अमेरिका जैसी महाशक्ति का सामना कर सकें। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन अपनी तोपों को भी इतना ताकतवर बनाना चाहता है कि उनका कोई भी वार फेल न हो, क्योंकि चीन की सेना ने हाल के महीनों में समंदर और हवा में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई बार मिलिट्री ड्रिल की। उसने आसमान में कई फाइटर जेट उड़ाए तो समुद्र में भी खतरनाक जंगी जहाजों का प्रदर्शन किया, लेकिन जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए उसने ज्यादा तैयारी नहीं की। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए चीन अपनी तोपों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ाने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले साल जुलाई में बीजिंग में सेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तोपों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। इसका मकसद तोपों से सटीक वार करना था, क्योंकि कई बार गाइडेड तोप भी हवा और तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से टारगेट को नहीं भेद पाती हैं। ऐसे में दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चीन की तोपों ने जरा भी चूक नहीं की। इसी के बाद चीन की सेना बड़े पैमाने पर अपनी तोपों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में जुटी है। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका चीन को सेमीकंडक्टर चिप के लिए तरसाना चाहता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके लिए अमेरिका दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने में जुटा है, ताकि वो चीन को चिप की सप्लाई बंद कर दे, जिससे चीन का कारोबार ठप पड़ जाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई रोक देगा तो चीन की कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों पर ताले लटक जाएंगे, और यही अमेरिका चाहता है, क्योंकि चीन ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उसकी एक कंपनी पर अपने यहाँ बैन लगा दिया है, जिस पर अमेरिका इतना भड़का हुआ है कि वो अपने दोस्त दक्षिण कोरिया